तरह की थ्योरियां सामने आई। सीमा ने भारत में बार बार सचिन से प्यार का इकरार किया तो वहीं पाकिस्तान जाने से इनकार भी किया। मैं नहीं जाना चाहूंगी, मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझे अपनी जिंदगी का दुख नहीं रहेगा, मेरी बेटियां हैं वो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और मैं चाहूंगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा, मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मैम मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से, मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ, और मुझे वापस ना भेजा जाए। थैंक यू, धन्यवाद मैम। लेकिन क्या अब सीमा और सचिन की प्रेम कहानी का अंत होने वाला है? क्या अब सीमा का पूरा सच दुनिया के सामने आने वाला है? क्या अब सीमा वापस पाकिस्तान भेजी जाएगी? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब सीमा के सच पर से पर्दा जल्द ही उठने वाला है और जल्द ही सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से बरामद सभी दस्तावेजों को नोएडा पुलिस ने उसकी पहचान के सत्यापन के लिए पाकिस्तान दूतावास में भेज दिया है। वह पाकिस्तानी नागरिक है या नहीं इसकी पुष्टि के लिए ये सभी दस्तावेज पाकिस्तान दूतावास को भेजे गए थे। इस बीच पुलिस सीमा हैदर के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं सीमा हैदर ने दावा किया कि उसने अपने फोन से कोई डेटा डिलीट नहीं किया है। पुलिस ने उसके जब्त किए गए मोबाइल को आगे की जांच के लिए गाजियाबाद की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। सीमा हैदर बार बार ये कहती आई है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी सर, मैं वहां गई तो मुझे जान से मार देंगे, और मैं इनके बगैर रह भी नहीं सकती, वहाँ जाके भी जीने का क्या फ़ायदा, मरी तो वैसे भी जाऊँगी। कि वहाँ आते तो बहुत बुरा हो, यही डर था, बहुत बुरा हो जाता इनके साथ। और मैं यहाँ की पुलिस को सबको सलाम करती हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये जान के भी मैं पाकिस्तानी हूँ अभी कन्फर्म भी नहीं हो, बहुत रिस्पेक्ट दी मुझे पुलिस वालों ने, मुझे जेल में रख के भी रिस्पेक्ट दी। लेकिन जांच रिपोर्ट के बाद उनके पाकिस्तान जाने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सीमा के अलावा उसकी मदद करने वाले लोग भी अब पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस ने बुलंदशहर से फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपी सचिन मीणा के रिश्तेदार हैं जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रबुपुरा के रहने वाले एक लड़के ने सचिन की मदद की थी, सचिन की निशानदेही पर ही तीनों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इन सब के बाद भी सीमा भारत में ही रहने पर अड़ी हुई है और उसने भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका भी भेजी है। सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा है कि सीमा की सिर्फ लाश ही पाकिस्तान जाएगी। सीमा ने मुझसे बार बार यही बात कही, भैया ये लोग मुझे कहते हैं वापस भेज दी जाओगी, तो आप ये कह देना देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे, सीमा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश जाएगी, ये उसने कहा। वकील एपी सिंह भले ही सीमा हैदर की हिमायत कर रहे हों, मगर इस मसले में कानूनी तौर पर कई अड़चने हैं। हालांकि सचिन के परिवार वाले हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं कि सीमा के साथ उनका रिश्ता कानूनी हो जाए। सीमा अब तक अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारती आई है और यही कहती आई है कि जितनी भी बातें फैलाई जा रही हैं वो सब गलत है। आप पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन आधार कार्ड है, मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था, ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था, सचिन ने कहा कि ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे, और जो मेरा एक मेरा फ़ोन था, जी शनाक्ति कार्ड। सीमा और सचिन दोनों से ही UPATS और केंद्रीय जांच एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। सवाल उसके बोलचाल से लेकर अकेले भारत आने तक उठ रहे हैं। तो बीत चुका है तब से लेके, मैं मन और दिमाग से हिंदू थी, ये सचिन भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। यहाँ आके वाकई मैंने साड़ी पहनी है, मैंने साड़ी पाकिस्तान में भी पहनी है, मेरी दो करवा चौथ मनाए, दोनों करवा चौथ की मेरी दो साड़ी है पाकिस्तान की,
और इस बात की फोटो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी है। यूपीएटीएस की पूछताछ के बाद से सीमा का स्वास्थ्य खराब बताया जा रहा है और एक दिन उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया। वहीं पाकिस्तान में लगातार सीमा का विरोध बढ़ रहा है और उसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब सीमा हैदर के साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि सीमा हैदर ने कहा मैंने तो पाकिस्तान नहीं जाना, अगर आप मुझे इंडिया की जेल में रखना चाहते हैं तो इंडिया की जेल में रख दें, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। लोग कहते हैं हम ससुराल नहीं जाएंगे, ये कह रही है मैके नहीं जाऊंगी। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए जो पाकिस्तान का मामला है कि यहाँ पे अगर कोई रिलीजन छोड़ता है उसे कत्ल कर देते हैं सीधा, तो अगर वापस आएगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मार दी जाएगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है। वही सीमा का पहला पति भी बार बार अपने बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहा है और ये कह रहा है कि सीमा और उसका तलाक कभी नहीं हुआ। तो दो बार तो हमें लड़ाई में हमें डिवोर्स भी हुआ था, फिर भी मेरे पापा ने भेज दिया कि ये डिवोर्स नहीं होता, मजबूरन तो मैंने मुझे जाना पड़ा। डिवोर्स तो वहाँ तो क्योंकि मुस्लिम समाज में तो तीन तलाक चलता है, तो वहाँ तलाक बोलकर डिवोर्स उन्होंने दिया या आपने दिया? मैंने कभी नहीं दिया, उन्होंने दिया था। आदमी का ही माना जाता है, औरत की तो आपको पता है कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तलाक आपको कभी भी नहीं दूंगा, अभी भी तुम मेरी पति है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप एक नामहरम के साथ रह रहे हो। इन सब के बीच सीमा और सचिन दोनों की ये कहानी हर दिन और पेचीदा होती जा रही है, लेकिन इस कहानी के क्लाइमैक्स के बाद क्या सीमा वापस अपने वतन जाएगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। सीमा हैदर का रिटर्न टिकट तैयार। मैं चाहूंगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सचिन सीमा की कहानी का क्लाइमैक्स। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे, सीमा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश। सीमा के दस्तावेज खोलेंगे राज। सीमा को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीमा और सचिन से आज फिर पूछताछ। एटीएस और आईबी इस वक्त पूछताछ कर रही है, खबर इस वक्त सामने आ रही है एक बार फिर से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से पूछताछ हो रही है, और न सिर्फ सीमा बल्कि सचिन से भी पूछताछ हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त, एटीएस आईबी इन दोनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए सुबह ही लेकर के गई थी एटीएस और आईबी इन दोनों से पूछताछ हो रही है, तो जांच एजेंसियां लगातार अब पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ के लिए सुबह ही ले जाया गया था इन दोनों को, सीमा से पहले भी पूछताछ हो चुकी है, सचिन से भी पूछताछ हुई और सचिन के पिता से भी हुई थी। आज एक बार फिर पूछताछ हो रही है सीमा और सीमा के पति सचिन से। एटीएस और आईबी पूछताछ कर रही है आज, पूछताछ के लिए सुबह ले जाया गया था इन दोनों को। और देखिए, आज जांच एजेंसियां एक बार फिर से जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन जो सचिन जिस पुराने मकान में रहता था वहां के मालिक का यह कहना है कि सचिन और सीमा के बीच में कभी किसी बात को लेकर के विवाद भी हो जाया करता था। इसके पहले भी इस तरीके से नोकझोंक की भी बातें वो बता रहे हैं कि विवाद हो जाया करता था, छोटी छोटी चीजों पर कई बार उन्होंने देखा है। आपको दिखाते हैं हम। हमारे साथ बात करने के लिए गिरिजेश हैं, जिनके घर पर सीमा और सचिन आकर के रुके थे ग्रेटर नोएडा में। गिरिजेश जी, कितने दिन सीमा और सचिन आपके यहाँ रहे थे और व्यवहार क्या था, क्या कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ क्या इनके बीच में? हाँ, डेढ़ महीने करीब रुके थे हमारे यहाँ पे। ये व्यवहार तो दोनों में ठीक था, लेकिन लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। दो बार के करीब इनमें झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर के झगड़ा होता था खासतौर पर? एक बार, पहली बार जब मुझे बताया, घर से पता चला था मुझे कि ये जो लड़की थी सीमा, वो उसके पास सचिन के पास फ़ोन बहुत ज़्यादा करती थी। सचिन नौकरी करता था बाज़ार में, तो वो बार बार की उसे फ़ोन करके परेशान करती थी। वो बाद में आता है दिन में और उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। लगे इतने मैं जब दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ तो इतनी बार फ़ोन करना ज़रूरी है क्या? ये था। और भी किसी चीज़ को लेकर के फिर लड़ाई? हाँ, एक बार और झगड़ा हुआ था दोनों में। तो मुझे जब मैंने लड़के से पूछा, सचिन बुलाया मैंने अपने पास शाम को, तो उसने बताया मुझे कि ना, मैंने भाई साहब इससे मैंने कई बार मना कर कि बीड़ी मत पिया कर, पर मानती ना है। सचिन ने
खुद मुझसे कहा था ये बात। क्या हुआ था उस दिन, क्या कैसे लड़ाई? बीड़ी पीने की वजह से? हाँ, बीड़ी पीने की वजह से हुई थी। जैसे कि दोपहर में आता है तो सीमा बीड़ी पी रही थी, इसने देख लिया उसे बीड़ी पीते हुए और इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। इसने मारा सचिन ने उसको और बस। तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? बच्चों को पता चला था हमारे घर पे, और जब मैं शाम को जब यहाँ से दुकान बंद करके जब मैं घर गया तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि इनमें आज लड़ाई झगड़ा हुआ था और आज उल्टी सीधी बात भी कर रहे थे ये। फिर मैंने सचिन को शाम को बुलाया छत पे, मैंने उससे बैठ के बात की, भाई कैसे बात है, क्या हुआ, और हमारे घर में यार तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो, यदि तुम्हें रहना है तो आराम से रहो वरना तुम हमारा कमरा खाली कर दो। फिर बोल रहा है कि नहीं, कि आज के बाद नहीं होगा ऐसा। यही बात थी। यही केवल इतने डेढ़ महीने रहे तो इन बातों को लेकर के लड़ाई होती थी इनमें? हाँ, ये दो बार हुआ था इनमें झगड़ा। कैमरामैन शेर सिंह के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। देखिए, अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर के जांच अब निर्णायक भूमिका की तरफ पहुंचने वाली है, क्योंकि अब इंतजार किया जा रहा है जो इसके मोबाइल डिटेल्स हैं वो सामने आ जाए। फॉरेंसिक जांच के लिए पहले ही भेजा जा चुका था। इसके अलावा पाकिस्तानी दूतावास को सारे डॉक्यूमेंट्स भी वहां सौंपे गए हैं। तो अब ये सारी रिपोर्ट्स जैसे ही सामने आएगी उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि सीमा को यहां रहने दिया जाता है या फिर सीमा को सीमा पार जाना ही होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वापस नहीं जाऊंगे मैं। इंडिया के योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें। मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। सीमा ने मुझसे बार बार यही बात कही, भैया ये लोग मुझे कहते हैं वापस भेज दी जाओगी, तो आप ये कह देना देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे, सीमा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश जाएगी। ये उसने कहा। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत पहुंची महिला सीमा हैदर, वो सीमा हैदर जो पिछले कुछ दिनों से हर तरफ सुर्खियों में छाई है। सीमा को सरहद पार प्यार खींच लाया या फिर उसकी कहानी का सच कुछ और है, इसे लेकर हर तरह की थ्योरियां सामने आई। सीमा ने भारत में बार बार सचिन से प्यार का इकरार किया तो वहीं पाकिस्तान जाने से इनकार भी किया। मैं नहीं जाना चाहूंगी, मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझे अपनी जिंदगी का दुख नहीं रहेगा, मेरी बेटियां हैं वो, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और मैं चाहूंगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा, मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मैम, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से, मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ, और मुझे वापस ना भेजा जाए। थैंक यू, धन्यवाद मैम। लेकिन क्या अब सीमा और सचिन की प्रेम कहानी का अंत होने वाला है? क्या अब सीमा का पूरा सच दुनिया के सामने आने वाला है? क्या अब सीमा वापस पाकिस्तान भेजी जाएगी? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब सीमा के सच पर से पर्दा जल्द ही उठने वाला है और जल्द ही सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से बरामद सभी दस्तावेजों को नोएडा पुलिस ने उसकी पहचान के सत्यापन के लिए पाकिस्तान दूतावास में भेज दिया है। वह पाकिस्तानी नागरिक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए ये सभी दस्तावेज पाकिस्तान दूतावास को भेजे गए थे। इस बीच पुलिस सीमा हैदर के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं सीमा हैदर ने दावा किया कि उसने अपने फोन से कोई डेटा डिलीट नहीं किया है। पुलिस ने उसके जब्त किए गए मोबाइल को आगे की जांच के लिए गाजियाबाद की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। सीमा हैदर बार बार ये कहती आई है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी सर, मैं वहां गई तो मुझे जान से मार देंगे, और मैं इनके बगैर रह भी नहीं सकती, वहाँ जाके भी जीने का क्या फ़ायदा, मरी तो वैसे भी जाऊँगी। कि वहाँ आते तो बहुत बुरा हो, यही डर था, बहुत बुरा हो जाता है इनके साथ। और मैं यहाँ की पुलिस को, सबको सलाम करती हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं,
बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये जान के भी मैं पाकिस्तानी हूँ अभी कन्फर्म भी नहीं हुआ। बहुत रिस्पेक्ट दी मुझे पुलिस वालों ने, मुझे जेल में रख के भी रिस्पेक्ट दी। लेकिन जांच रिपोर्ट के बाद उनके पाकिस्तान जाने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सीमा के अलावा उसकी मदद करने वाले लोग भी अब पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस ने बुलंदशहर से फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपी सचिन मीणा के रिश्तेदार हैं, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रबुपुरा के रहने वाले एक लड़के ने सचिन की मदद की थी। सचिन की निशानदेही पर ही तीनों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इन सब के बाद भी सीमा भारत में ही रहने पर अड़ी हुई है और उसने भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका भी भेजी है। सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा है कि सीमा की सिर्फ लाश ही पाकिस्तान जाएगी। सीमा ने मुझसे बार बार यही बात कही, भैया ये लोग मुझे कहते हैं वापस भेज दी जाओगी, तो आप ये कह देना देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे, सीमा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश जाएगी। ये उसने कहा। वकील एपी सिंह भले ही सीमा हैदर की हिमायत कर रही हूँ, मगर इस मसले में कानूनी तौर पर कई अड़चने हैं। हालांकि सचिन के परिवार वाले हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं कि सीमा के साथ उनका रिश्ता कानूनी हो जाए। सीमा अब तक अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारती आई है और यही कहती आई है कि जितनी भी बातें फैलाई जा रही हैं वो सब गलत है। आप पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे। और जो मेरा एक मेरा फ़ोन था, जी शनाक्ति कार्ड। सीमा और सचिन दोनों से ही UPATS और केंद्रीय जांच एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। सवाल उसके बोलचाल से लेकर अकेले भारत आने तक उठ रहे हैं। तो बीत चुका है तब से लेके, मैं मन और दिमाग से हिंदू थी, ये सचिन भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। यहाँ आके वाकई मैंने साड़ी पहनी है, मैंने साड़ी पाकिस्तान में भी पहनी है। मेरी दो करवा चौथ मनाए, दोनों करवा चौथ की मेरी दो साड़ी है पाकिस्तान की, और इस बात की फोटो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी है। UPATS की पूछताछ के बाद से सीमा का स्वास्थ्य खराब बताया जा रहा है और एक दिन उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया। वहीं पाकिस्तान में लगातार सीमा का विरोध बढ़ रहा है और उसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब सीमा हैदर के साथ क्या किया जाएगा? क्योंकि सीमा हैदर ने कहा मैंने तो पाकिस्तान नहीं जाना, अगर आप मुझे इंडिया की जेल में रखना चाहते हैं तो इंडिया की जेल में रख दें, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। लोग कहते हैं हम ससुराल नहीं जाएंगे, ये कह रही है मैके नहीं जाऊंगी। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए जो पाकिस्तान का मामला है कि यहाँ पे अगर कोई रिलीजन छोड़ता है उसे कत्ल कर देते हैं सीधा, तो अगर वापस आएगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मार दी जाएगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है। वहीं सीमा का पहला पति भी बार बार अपने बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहा है और ये कह रहा है कि सीमा और उसका तलाक कभी नहीं हुआ। तो दो बार तो हमें लड़ाई में हमें डिवोर्स भी हुआ था, फिर भी मेरे पापा ने भेज दिया कि ये डिवोर्स नहीं होता, मजबूरन तो मैंने मुझे जाना पड़ा। डिवोर्स तो वहाँ, तो क्योंकि मुस्लिम समाज में तो तीन तलाक चलता है, तो वहाँ तलाक बोलकर डिवोर्स उन्होंने दिया या आपने दिया? मैंने कभी नहीं दिया, उन्होंने दिया था। आदमी का ही माना जाता है, औरत की तो आपको पता है कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तलाक आपको कभी भी नहीं दूंगा, अभी भी तुम मेरी पति है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप एक नामहरम के साथ रह रहे हो। इन सबके बीच सीमा और सचिन दोनों की ये कहानी हर दिन और पेचीदा होती जा रही है। लेकिन इस कहानी के क्लाइमैक्स के बाद क्या सीमा वापस अपने वतन जाएगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। सीमा हैदर का रिटर्न टिकट तैयार। मैं चाहूंगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सचिन सीमा की कहानी का क्लाइमैक्स। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे, सीमा यहां से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश। सीमा के दस्तावेज
खोलेंगे राज। सीमा को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीमा और सचिन से आज फिर पूछताछ। एटीएस और आईबी इस वक्त पूछताछ कर रही है। खबर इस वक्त सामने आ रही है एक बार फिर से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से पूछताछ हो रही है, और न सिर्फ सीमा बल्कि सचिन से भी पूछताछ हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त, एटीएस आईबी इन दोनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए सुबह ही लेकर के गई थी एटीएस और आईबी, इन दोनों से पूछताछ हो रही है। तो जांच एजेंसियां लगातार अब पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ के लिए सुबह ही ले जाया गया था इन दोनों को। सीमा से पहले भी पूछताछ हो चुकी है, सचिन से भी पूछताछ हुई और सचिन के पिता से भी हुई थी। आज एक बार फिर पूछताछ हो रही है सीमा और सीमा के पति सचिन से। एटीएस और आईबी पूछताछ कर रही है आज। पूछताछ के लिए सुबह ले जाया गया था इन दोनों को। और देखिए, आज जांच एजेंसियां एक बार फिर से जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन जो सचिन जिस पुराने मकान में रहता था, वहां के मालिक का यह कहना है कि सचिन और सीमा के बीच में कभी किसी बात को लेकर के विवाद भी हो जाया करता था। इसके पहले भी इस तरीके से नोकझोंक की भी बातें वो बता रहे हैं कि विवाद हो जाया करता था, छोटी छोटी चीजों पे कई बार उन्होंने देखा है। आपको दिखाते हैं हम। हमारे साथ बात करने के लिए गिरिजेश हैं, जिनके घर पर सीमा और सचिन आकर के रुके थे ग्रेटर नोएडा में। गिरिजेश जी, कितने दिन सीमा और सचिन आपके यहाँ रहे थे और व्यवहार क्या था? क्या कभी लड़ाई झगड़ा भी हुआ क्या इनके बीच में? हाँ, 1.5 महीने करीब रुके थे हमारे यहाँ पे। ये व्यवहार तो दोनों में ठीक था, लेकिन लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। 2 बार के करीब इनमें झगड़ा हुआ था। किस बात को लेकर के झगड़ा होता था खासतौर पर? एक बार, पहली बार जब मुझे बताया, घर से पता चला था मुझे कि ये जो लड़की थी सीमा, वो उसके पास सचिन के पास फ़ोन बहुत ज़्यादा करती थी। सचिन नौकरी करता था बाज़ार में, तो वो बार बार की उसे फ़ोन करके परेशान करती थी। वो बाद में आता है दिन में और उसका फ़ोन भी तोड़ देता है। लगे इतने मैं जब दूसरे के यहाँ काम कर रहा हूँ तो इतनी बार फ़ोन करना ज़रूरी है क्या? ये था। और भी किसी चीज़ को लेकर के फिर लड़ाई? हाँ, एक बार और झगड़ा हुआ था दोनों में। तो मुझे जब मैंने लड़के से पूछा, सचिन बुलाया मैंने अपने पास शाम को, तो उसने बताया मुझे कि ना, मैंने भाई साहब इससे मैंने कई बार मना कर यहाँ कि बीड़ी मत पिया कर, पर मानती ना है। सचिन ने खुद मुझसे कहा था ये बात। क्या हुआ था उस दिन, क्या कैसे लड़ाई? बीड़ी पीने की वजह से? हाँ, बीड़ी पीने की वजह से हुई थी। जैसे कि दोपहर में आता है तो सीमा बीड़ी पी रही थी, इसने देख लिया उसे बीड़ी पीते हुए और इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। इसने मारा सचिन ने उसको, और बस। तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? बच्चों को पता चला था हमारे घर पे, और जब मैं शाम को जब यहाँ से दुकान बंद करके जब मैं घर गया तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि इनमें आज लड़ाई झगड़ा हुआ था और आज उल्टी सीधी बात भी कर रहे थे ये। फिर मैंने सचिन को शाम को बुलाया छत पे, मैंने उससे बैठ के बात की, भाई कैसे बात है, क्या हुआ, और हमारे घर में यार तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो? यदि तुम्हें रहना है तो आराम से रहो, वरना तुम हमारा कमरा खाली कर दो। फिर बोल रहा है कि नहीं, कि आज के बाद नहीं होगा ऐसा। यही बात थी। यही केवल इतने 1.5 महीने रहे तो इन बातों को लेकर के लड़ाई होती थी? हाँ, 2 बार हुआ था इनमें झगड़ा। कैमरामैन शेर सिंह के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। देखिए, अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर के जांच अब निर्णायक भूमिका की तरफ पहुंचने वाली है, क्योंकि अब इंतजार किया जा रहा है जो इसके मोबाइल डिटेल्स हैं वो सामने आ जाए। फॉरेंसिक जांच के लिए पहले ही भेजा जा चुका था। इसके अलावा पाकिस्तानी दूतावास को सारे डॉक्यूमेंट्स भी वहां सौंपे गए हैं। तो अब ये सारी रिपोर्ट्स जैसे ही सामने आएगी, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि सीमा को यहां रहने दिया जाता है या फिर सीमा को सीमा पार जाना ही होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वापस नहीं जाऊंगी मैं इंडिया के योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें। मैं चाहूँगी कि मुझे ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा। सीमा ने मुझसे बार बार यही बात कही, भैया ये लोग मुझे कहते हैं वापस भेज दी जाओगी, तो आप ये कह देना देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे, सीमा यहां से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश जाएगी। ये उसने कहा।
पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत पहुंची महिला सीमा हैदर, वो सीमा हैदर जो पिछले कुछ दिनों से हर तरफ सुर्खियों में छाई है। सीमा को सरहद पार प्यार खींच लाया या फिर उसकी कहानी का सच कुछ और है, इसे लेकर हर तरह की थ्योरियां सामने आई। सीमा ने भारत में बार बार सचिन से प्यार का इकरार किया तो वहीं पाकिस्तान जाने से इनकार भी किया। मैं नहीं जाना चाहूंगी, मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगी, मुझे अपनी जिंदगी का दुख नहीं रहेगा, मेरी बेटियां हैं वो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी और मैं चाहूंगी कि उन्हें ना भेजा जाए, हमें वापस बिल्कुल ना भेजा जाए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे एक यहाँ रहने से कोई भारत पे बोझ नहीं बढ़ेगा, मैं एक हाउस वाइफ बन के रहूँगी, जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूँगी, पर मुझे वापस ना भेजा जाए। मैम, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, योगी जी से, मोदी जी से, मैं औरत हूँ, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मैं कोई गलत नहीं हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ आई हूँ और मुझे वापस ना भेजा जाए। थैंक यू, धन्यवाद मैम। लेकिन क्या अब सीमा और सचिन की प्रेम कहानी का अंत होने वाला है? क्या अब सीमा का पूरा सच दुनिया के सामने आने वाला है? क्या अब सीमा वापस पाकिस्तान भेजी जाएगी? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब सीमा के सच पर से पर्दा जल्द ही उठने वाला है और जल्द ही सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से बरामद सभी दस्तावेजों को नोएडा पुलिस ने उसकी पहचान के सत्यापन के लिए पाकिस्तान दूतावास में भेज दिया है। वह पाकिस्तानी नागरिक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए ये सभी दस्तावेज पाकिस्तान दूतावास को भेजे गए थे। इस बीच पुलिस सीमा हैदर के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं सीमा हैदर ने दावा किया कि उसने अपने फोन से कोई डेटा डिलीट नहीं किया है। पुलिस ने उसके जब्त किए गए मोबाइल को आगे की जांच के लिए गाजियाबाद की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। सीमा हैदर बार बार ये कहती आई है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी सर, मैं वहां गई तो मुझे जान से मार देंगे और मैं इनके बगैर रह भी नहीं सकती, वहाँ जाके भी जीने का क्या फ़ायदा, मरी तो वैसे भी जाऊँगी। कि वहाँ आते तो बहुत बुरा हो, यही डर था, बहुत बुरा हो जाता है इनके साथ। और मैं यहाँ की पुलिस को सबको सलाम करती हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये जान के भी मैं पाकिस्तानी हूँ अभी कन्फर्म भी नहीं हुआ, बहुत रिस्पेक्ट दी मुझे पुलिस वालों ने, मुझे जेल में रख के भी रिस्पेक्ट दी। लेकिन जांच रिपोर्ट के बाद उनके पाकिस्तान जाने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सीमा के अलावा उसकी मदद करने वाले लोग भी अब पुलिस की रडार पर हैं। पुलिस ने बुलंदशहर से फर्जी आधार कार्ड बनवाने वाले दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपी सचिन मीणा के रिश्तेदार हैं जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रबुपुरा के रहने वाले एक लड़के ने सचिन की मदद की थी, सचिन की निशानदेही पर ही तीनों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इन सब के बाद भी सीमा भारत में ही रहने पर अड़ी हुई है और उसने भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका भी भेजी है। सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा है कि सीमा की सिर्फ लाश ही पाकिस्तान जाएगी। सीमा ने मुझसे बार बार यही बात कही, भैया ये लोग मुझे कहते हैं वापस भेज दी जाओगी, तो आप ये कह देना देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से कह देना कि सीमा और उसके पति जिंदा नहीं जाएंगे, सीमा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी, जाएगी तो उसकी लाश जाएगी, ये उसने कहा। वकील एपी सिंह भले ही सीमा हैदर की हिमायत कर रही हूँ मगर इस मसले में कानूनी तौर पर कई अड़चने हैं। हालांकि सचिन के परिवार वाले हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं कि सीमा के साथ उनका रिश्ता कानूनी हो जाए। सीमा अब तक अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारती आई है और यही कहती आई है कि जितनी भी बातें फैलाई जा रही हैं वो सब गलत है। आप पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास तीन आधार कार्ड है, मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे उसका जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था, ये सरासर झूठ है। और रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था, सचिन ने कहा कि ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे, और जो मेरा एक मेरा फ़ोन था जी शनाख्ती कार्ड।
सीमा और सचिन दोनों से ही यूपी एटीएस और केंद्रीय जांच एजेंसियां पूछताछ कर चुकी हैं। सवाल उसके बोलचाल से लेकर अकेले भारत आने तक उठ रहे हैं। तो बीत चुका है तब से लेके मैं मन और दिमाग से हिंदू थी, ये सचिन भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। यहाँ आके वाकई मैंने साड़ी पहनी है, मैंने साड़ी पाकिस्तान में भी पहनी है। मेरी दो करवा चौथ मनाए, दोनों करवा चौथ की मेरी दो साड़ी है पाकिस्तान की, और इस बात की फोटो वीडियो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी है। यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद से सीमा का स्वास्थ्य खराब बताया जा रहा है और एक दिन उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया। वहीं पाकिस्तान में लगातार सीमा का विरोध बढ़ रहा है और उसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब सीमा हैदर के साथ क्या किया जाएगा? क्योंकि सीमा हैदर ने कहा मैंने तो पाकिस्तान नहीं जाना, अगर आप मुझे इंडिया की जेल में रखना चाहते हैं तो इंडिया की जेल में रख दें, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। लोग कहते हैं हम ससुराल नहीं जाएंगे, ये कह रही है मैके नहीं जाऊंगी। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए जो पाकिस्तान का मामला है कि यहाँ पे अगर कोई रिलीजन छोड़ता है उसे कत्ल कर देते हैं सीधा, तो अगर वापस आएगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मार दी जाएगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है। वहीं सीमा का पहला पति भी बार बार अपने बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहा है और ये कह रहा है कि सीमा और उसका तलाक कभी नहीं हुआ। तो दो बार तो हमें लड़ाई में हमें डिवोर्स भी हुआ था, फिर भी मेरे पापा ने भेज दिया कि ये डिवोर्स नहीं होता, मजबूरन तो मैंने मुझे जाना पड़ा। डिवोर्स तो वहाँ तो क्योंकि मुस्लिम समाज में तो तीन तलाक चलता है, तो वहाँ तलाक बोलकर डिवोर्स उन्होंने दिया या आपने दिया? मैंने कभी नहीं दिया, उन्होंने दिया था। आदमी का ही माना जाता है, औरत की तो आपको पता है कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। मैं तलाक आपको कभी भी नहीं दूंगा, अभी भी तुम मेरी पति है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप एक नामहरम के साथ रह रहे हो। इन सब के बीच सीमा और सचिन दोनों की ये कहानी हर दिन और पेचीदा होती जा रही है, लेकिन इस कहानी के क्लाइमैक्स के बाद क्या सीमा वापस अपने वतन जाएगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी।